हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले किस तरह से आप योनो एसबीआई में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और योनो ऐप को यूज कर सकते हैं, वो भी बिना एटीएम कार्ड के और बिना इंटरनेट बैंकिंग के। एसबीआई में आपने अपना अकाउंट ओपन खोला और आप लोगों के पास एटीएम कार्ड नहीं आया, तो बस यहाँ पर आपको अपना अकाउंट डिटेल्स फिल करना है और आपका योनो एसबीआई में लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे आप आसानी से उसे यूज कर सकते हो। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। सो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर खोल लेना है यूनो एसबीआई। यूनो एसबीआई खोल डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको एग्जिस्टिंग कस्टमर पर क्लिक कर देना है। जैसे एग्जिस्टिंग कस्टमर पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर आपको रजिस्टर विद अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको तीन ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। फिर आपको अपना यहाँ पर अकाउंट नंबर फिल करना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, जो आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक में रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। ओटीपी को फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखेगा, व्यू, लिमिटेड, फुल। तो व्यू में सिर्फ आप देख सकते हैं, लिमिटेड में आपको लिमिटेड ही रहेगा, तो हम लोग को फुल चाहिए, सारा कुछ टाइम, तो हमको फुल पर क्लिक करना है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र नेम अपना सेट कर लेना है, पासवर्ड यहाँ पर सेट करना है, यहाँ पर रीएंटर अपना पासवर्ड कर दे। यूज़र नेम आप स्ट्रॉन्ग बनाएगा, एक कैपिटल, एक स्मॉल, एक नंबर और एक स्पेशल कलेक्टर। पासवर्ड भी उसी टाइप से बनाइएगा और रीएंटर पासवर्ड आप उस टाइप से बना लिए जो अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया। और उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना। जैसे कन्फर्म बटन पर क्लिक करिएगा तो ये देखिए आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर मिल गया। ये रेफरेंस नंबर आपको जाके एसबीआई ब्रांच में, अपने जो भी ब्रांच यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया था, अकाउंट खुला था, उस ब्रांच में जाना, आपको रेफरेंस नंबर देना है, वो आपको तुरंत ही यहाँ पे अपना एक्टिवेशन कोड दे देंगे। जैसे एक्टिवेशन कोड आपको मैसेज के थ्रू आपको मिल जाएगा, तो फिर आपको दोबारा अपना योनो एसबीआई लॉगिन कर लेना है। वहाँ पे आप जाइएगा तो आई हैव एक्टिवेशन कोड पे क्लिक कर दिया। जैसे आई हैव एक्टिवेशन कोड पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको फिर से कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना। कंटिन्यू बटन पर जैसे क्लिक करते हैं, अपना यूजर नेम जो आपने बनाया था वो आपको यहाँ पर डाल देना है, पासवर्ड डाल देना जो आपने बनाया था, और जो एक्टिवेशन कोड आप लोग को मिला है मैसेज के थ्रू जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना, सक्सेसफुली यू हैव एक्टिवेशन योर अकाउंट ऑन यूनो। अब आपका जो यहां पे अकाउंट यूनो में खुल गया, अब आपको फिर से गो टू यूनो होम पे क्लिक कर देना नीचे। अब जैसे नीचे क्लिक करेगा तो आपको यहां पे अपना यूजर नेम शो होकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो है अपना पासवर्ड चेंज करना है, तो आप यहाँ पे फिर से अपना जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लीजिएगा, न्यू पासवर्ड बना लीजिएगा, उससे रिकन्फर्म कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आपको नीचे में फिर से आपको यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे आपको क्लिक कर लेना है। पासवर्ड को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका वो टेम्प्रोरी था, ये आपका परमानेंट पासवर्ड बन जाएगा। जो पहले आपने बनाया था वो टेम्प्रोरी था, ये आपका परमानेंट पासवर्ड बने। तो आप पासवर्ड सेट करके उसके बाद आप चेंज पासवर्ड जो नीचे में है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करिए तो कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस खोल के सामने आ जाएगा। अब जो है आप यहाँ पर सक्सेसफुली आप अपना यूनो में एक्सेस हो गया। अब आपको यहाँ पे सेट एम पिन, यहाँ पे आप करना 6 डिजिट का आपको यहाँ पे एम पिन सेट कर लेना है। कभी भी आप लॉगिन होइएगा योनो एसबीआई में तो आपको इसी एम पिन के द्वारा आपको यहाँ पे किया जाएगा, लॉगिन करिएगा। तो आई टर्म कंडीशन पे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद अपना 6 डिजिट का एम पिन कुछ भी आप सेट कर लीजिएगा। इसे सेट करने के बाद आपको कंफर्म बटन पे क्लिक, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना। अब देखिए जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिएगा, अब आपके मोबाइल पे एक ओटीपी गया, वो ओटीपी करके आपको वेरीफाई करना है, कंसर्न देना है कि आप ही ये अपना एम पिन सेट किए हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना ओटीपी डाल दूंगा, ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही आप जो है योनो एसबीआई में एप्लीकेशन में यहाँ पे आप सक्सेस हो गए, कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ओके। अब ओके पे क्लिक करना है तो आप तुरंत ही वहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट, यहाँ पे सारा कुछ आप एप्लीकेशन खुल के देख रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे बैलेंस भी शो कर रहा है, हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं क्लिक करके, ये मेरा बैलेंस शो कर रहा है। तो इस तरह से जो है आप योनो एसबीआई में जो है अकाउंट डिटेल के मदद से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ना आपको एटीएम कार्ड की जरूरत है, ना आपको इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत पड़ेगी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद है। वीडियो थोड़ा भी पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।